क्या है सांबो दशम की सच्चाई, क्यों करते हैं लोग सांबो दशम में और सूर्य को पूजा। हेलो गाइस, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है। सांबो दशमी को लेके लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग का यही कहना है भगवान कृष्ण जो थे उनका पत्नी जम्बुवती, उनका बेटा थे सांब, वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा गुरूर था। वो किसी को प्रेषित नहीं देते थे, ना बड़ों का ना छोटों का, किसी का लिहाज रहता था उनको, वो किसी को नहीं मानते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान नारद जो थे वो उधर से आ रहे थे, उनको देख के भगवान कृष्ण का सारे बेटा उनको नमस्ते किया, लेकिन सांबो जो थे उनको देख के वो प्रयास किए, उनका गेटअप लेख के उनको कमेंट किया। इसलिए भगवान नारद जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया, वो बोले भगवान कृष्ण का बेटा है फिर भी उनको कैसे किसके साथ बोलना है उनको कुछ मालूम नहीं है, बहुत गुरूर है उसको उसको खूबसूरत को लेके। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने उनके सारे पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, इसके टाइम में क्या हुआ, छड़न आके जो शाम उधर आ गए थे, ये देख के सबको बड़ा सेम फील हुआ, बड़ा बुरा लगा, सब निकल के आ गए। भगवान कृष्ण को बड़ा गुस्सा आया और वो उनको श्राप दे दिए, तुम खूबसूरत को लेके तुम इतना गुरूर करते हो, आज से तुम कुष्ठ रोग से व्यथित हो जाओगे और तुम्हारे सारे खूबसूरती चले जाएगी। उसके बाद वो विकृत बन गए थे। ये देख के शाम के जो माँ थे जम्बुवती, उनको बड़ा रोना आया, वो रो रह के जाके नारद महर्षि के पास गए और इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करेंगे कि हमारा पुत्र ठीक हो जाएगा, उनसे पूछने लगे। वो बोले उड़ीसा के जो अर्कधाम है कोणार्क, उधर जाके चंद्रभागा में अगर तपस्या करके भगवान सूर्य को वो प्रसन्न कर सकते हैं तो उनका रूप उनको वापस मिलेगा। उसके बाद वो शाम जाके चंद्रभागा में तपस्या किए, 12 साल तपस्या करने के बाद भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिए और उनका रूप वापस आ गया। कुछ लोग का यही मानना है एक असुर था, नाम था उसका संभ्रम, उत्पात मचाता था, उसके सामने जो कोई आता था उसको वो खा जाता था, हर जगह पे वो टेस्टनेस करके रखा हुआ था। ये देख के सारे लोग परेशान हो गए और एक दिन मीटिंग बुला के उनको बोले, हम एक दिन सारे लोग के नाम पे अच्छा अच्छा खाना बनाकर आपको खिलाएंगे, आप बस इंसान को खाना छोड़ दीजिए, हमारा जो साक्षी है वो सूर्य भगवान है, हम सूर्य भगवान को साक्षी रखे यही बोलते हैं, हम दशमी के दिन में हम उनको खाना खिलाएंगे। भगवान कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न के द्वारा उसका मृत्यु हुआ था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार गौतम थे, उनका पति का नाम और पत्नी का नाम था पद्ममुखी, वो उनका 3 बच्चे हुए थे लेकिन इत्तेफाक से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद संतान प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य को पूजा किए थे, उसके बाद भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उनको सारे प्रोसेस से वो बोले थे, 7 टाइप का फूल, 7 टाइप का फल, 7 टाइप का मिष्टान्न, प्रातः संध्या और मध्यान्ह, 3 बार ऐसे पूजा करना है। उसके बाद ऐसे वो किए थे और उनको एक पुत्र प्राप्ति भी हुआ था। उसी दिन से वो दशमी के दिन था, इसलिए उसी दिन को लोग ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। प्रातः आप सूर्य भगवान को अगर अर्घ्यदान करेंगे आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। लोगों का ही मानना है अगर आप सालों भर जितना पूजा करेंगे जितना आपको फल नहीं मिलेगा, बस यही दिन अगर आप सूर्य भगवान को पूजा करते हैं तो सारे मनोकामना पूरी हो जाते हैं। जिनको बच्चे होते हैं खासकर उनके माँ लोग पूजा करते हैं, और जिनको बच्चे नहीं होते वो लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं, सारे प्रसाद लोगों को बांट देते हैं और शाम के टाइम में वो खाना नहीं खाते। जो शुक्ल पक्ष दशमी दिन में ये पूजा करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं और 7 बजे सारे प्रसाद बना के भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं। मैं दिखा देती हूँ मैं कैसे पूजा किए हूँ, देख लीजिए। खास अपने बेटा के लिए हमने बनाया है, इसके नाम पे हमने चढ़ाया है भगवान को, ऐसे सब के नाम पे कुछ कुछ
चढ़ाते हैं।